हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, बट बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जिसके लिए मैंने 3 टमाटर और 2 मीडियम साइज का बैंगन लिया है। अब इसके ऊपर तेल लगा लेंगे इस तरह, और इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे। ठीक फिर इसी तरह हम टमाटर के ऊपर भी तेल लगा के इसके चारों तरफ से कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे ये जल्दी पकेंगे और इसकी परत भी आसानी से निकल जाएंगी। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और इस तरह का एक जाली हम इसके ऊपर रख देंगे, इससे गैस ख़राब नहीं होगा और इस पर अच्छे से टमाटर और बैंगन पक जाएंगे। फिर हम बैंगन के चारों तरफ से इस तरह से कट करेंगे और चेक कर लेंगे कि अंदर से बैंगन ठीक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी कीड़े या सड़े हुए निकल जाते हैं इसलिए। तो देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे थे, इसके अंदर कोई कीड़े या सड़े हुए नहीं थे। तो मैं इसे गैस के ऊपर रख दे रही हूँ। इसी तरह हम दूसरे बैंगन को भी कट करके चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बैंगन भी अच्छा है, ख़राब नहीं निकला है। तो इसे भी अब इस पर पकने के लिए रख देंगे। पर फ्रेंड्स, इस पर जो हमने कट्स लगाए हैं वो ऑयल लगाने से पहले ही कर ले। फिर इसी तरह हम इसके साथ में टमाटर को भी पकने के लिए रख देंगे इस साइड से, क्योंकि इधर से पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब देरी से पकता है इस साइड से। तो पहले हम इसी साइड को पकाएंगे और थोड़े थोड़े टाइम पे इसे पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैं इसको इस तरह से पलट दे रही हूँ, तो इसका कलर इतना चेंज हो चुका है। तो इसी तरह हम दूसरे बैंगन और बाकी टमाटर को भी उलट पुलट करके चारों तरफ से पकाएंगे। और अब ये करीब आधा रोस्ट हो चुका है, तो इसी तरह हम इसे पकाएंगे और करीब 5 से 6 मिनट। और दोस्तों, आपको पता है ये हमारी यूपी बिहार की फेमस डिश सत्तू का पराठा या सत्तू की लिट्टी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमारा बैंगन और टमाटर दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि यह पका है या नहीं, तो इसमें एक फोक या नाइफ डालकर चेक कर सकते हैं। तो इसे हमने अब प्लेट में निकाल लिया है, तो इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसके अब छिलके को निकालेंगे। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया का पत्ता और 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो जब तक वह ठंडा होता है तब तक हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसके परत को अब निकालेंगे इस तरह। और आप चाहें तो इसे छीलने के बाद इसे पानी से वॉश भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे वॉश ना करें, क्योंकि इससे इसका स्मोकी फ्लेवर चला जाएगा और इसका टेस्ट भी कम हो जाएगा। तो हमने बैंगन और टमाटर से छिलके को निकाल दिया है, तो अब बैंगन के ये भाग है इसे हम चाकू से कट करके निकाल देंगे इस तरह। और इसे चाकू से ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद ये हाथों से अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं इसलिए। तो मैं अब इसे हाथों से ही अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। फिर इसे अच्छे से मैश करने के बाद इस पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। तो मैंने यहाँ लहसुन और हरी मिर्च को भी फाइन चॉप कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पे तड़का पैन गरम होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही तड़का पैन गरम हो जाएगा, हम इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। और तेल गरम हो जाए तो इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ डाल के इसे पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक इसका थोड़ा हल्का कलर चेंज ना हो जाए। तो इसे डालते समय थोड़े से सावधानी रखें, क्योंकि इसे डालते समय इससे छींटे निकलते हैं जो आपके हाथों पे लग सकते हैं। और इसे ज़्यादा लाल करके नहीं पकाना है हमें। तो अब ये हो चुका है, तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पे हम इसे डाल देंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश करके एक बार फिर से इसको मिला लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिंपल और मज़ेदार बैंगन का भरता बनकर रेडी है। और अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।